नमस्कार दोस्तों, JDS कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, भारत में मुगलों और यूरोपवासियों का भारत में आगमन। चैप्टर नंबर 6, मुगलों और यूरोपवासियों का भारत में आगमन। बात है 1526 की, जब भारत में लोदियों की सत्ता थी। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था, ये दिल्ली पर शासन कर रहा था। और इसी समय बाबर का आक्रमण होता है। वो भारत के बारे में बहुत कुछ सुना था उसने, लेकिन उससे पहले की घटनाक्रम बता दें, जो लोदी दिल्ली में शासन कर रहे थे उनके सरदार उनसे असंतुष्ट थे, लोदियों से। तो उन्होंने सोचा कि इसको अपदस्थ कर दें और हम खुद सुल्तान बन जाएं। लेकिन चूंकि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उसको लोदी को अपदस्थ कर सके, उन्होंने इसके लिए बाबर को न्योता भेजा कि भाई आप भारत पर आक्रमण कीजिए, आप से बहुत त्रस्त हम लोग हैं। बाबर ने स्वीकार किया, भारत के बारे में सुन रखा था वो। बाबर अपने एक कुशल सेनाध्यक्ष था, वो अपने तोपखाने घुड़सवारों के साथ आक्रमण किया 1526 में। 1526 पानीपत का मैदान, वहां पर बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। पानीपत की ये प्रथम लड़ाई है। पानीपत की तीन लड़ाइयां हुई। फर्स्ट आपकी 1526 में हुई थी, सेकेंड अकबर और हेमू के बीच में हुई थी 1556, थर्ड मराठा और अब्दाली के बीच में हुई थी 1761। अब इस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। अब पूरा उत्तर भारत, आगरा, दिल्ली और दिल्ली के किनारे पंजाब का क्षेत्र, इन सब पर बाबर ने आधिपत्य जमा लिया। इन लोगों ने सोचा था, जो अब सरदार थे, लोदियों के सरदार थे, कि बाबर आक्रमण करेगा, अपदस्त करेगा और चला जाएगा। लेकिन बाबर को यहाँ की जलवायु पसंद आ गई। भाई किसको नहीं पसंद आएगी भारत की जलवायु? भारत की विविधता सभी को पसंद आएगी। बाबर अट्रैक्ट हो गया भारत में, पेड़ पौधे पशु पक्षियाँ सब इसको, पोलो गेम इस सब इसको बहुत भाग गया, आम बहुत इसको भाग गया। बाबर नामा जो उसने अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें इन सब का मेंशन है। तो वो बाबर अब यहाँ पर भारत में बन गया, मुगल वंश का संस्थापक, पहला शासक बन गया। अब वो अपना चार साल तक राज किया भारत में। इसी दौरान उसको कई युद्ध भी करने पड़े, राजपूतों से भी युद्ध करने पड़े और अन्य से भी युद्ध करने पड़े। अपना 4 साल के कार्यकाल में वो युद्ध करते ही बीता उसका। 1530 में जाकर उसकी मृत्यु हो जाती है। और 1530 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो बाबर का पुत्र हुमायूं राजगद्दी पे बैठा, मुगल वंश का मुगल सम्राट बना। अब चूंकि जब हुमायूं जब बैठा था तो उस समय उसके पहले बाबर की शत्रुता तो बहुत हो गई थी। अब बाबर 1530 में मर जाता है, 1500 उसको
उस साम्राज्य को तो उसने बना दिया, मुगल वंश की स्थापना कर दी, लेकिन उसको सुदृढ़ करने का मौका उसे नहीं मिल सका, जिसका खामियाजा हुमायूं को भोगना पड़ा। और हुमायूं जैसे बैठता है तमाम बादशाहत क्रिएट हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ता चला चलता है। हुमायूं को सबसे ज़्यादा चुनौती दिया अफगानों ने, जो यहाँ पे पूर्व में आए थे और यहीं की होकर रह गए थे, वासिंदे होकर रह गए थे। अब उसमें एक नाम प्रमुख आता है, हालांकि हुमायूं ने बहुत विजय भी की इस दौरान, काफ़ी छोटे छोटे राज्यों को मिलाया, उसने भी अपना एक्सपेंड किया मुगल साम्राज्य को, लेकिन आगे चलकर उसको अफगानों से बहुत जोरदार टक्कर लेनी पड़ी। और उसमें प्रमुख नाम आता है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी से उसने युद्ध किया, शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, उससे युद्ध हुआ 1539 में। 1539 और 1540 दो युद्ध हुमायूं ने लड़े थे शेरशाह सूरी से, दोनों में उसकी पराजय हुई हुमायूं की। अंतिम में 1540 वाले युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में, उसे भारत छोड़ना पड़ा। अब इधर उधर भटका करे, किसी राजपूत के घर में उसने माल में शरण लिया और वहीं पर उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर भारत का महान सम्राट बना। राजा किसी कोई राजपूत राजा है, अमरकोट की राजा के यहाँ उसने शरण लिया था और वहीं पर अकबर वहीं पैदा हुआ था। अब इधर फिर आते हैं हुमायूं की तरफ। हुमायूं जब शेरशाह ने उसको परास्त कर दिया तो अपना चला गया। उसकी जान किसी नाविक, किसी भिस्ती ने बचाई थी, नाव पे नदी पार करते हुए भागा था वो, किसी भिस्ती ने बचाई थी उसकी जान। खैर, फिलहाल सकुशल चला गया। फिर कम बैक किया उसने 1555 में। अब 1555 उधर छोड़ते हैं, पहले इधर आ जाते हैं शेरशाह सूरी की तरफ। शेरशाह सूरी अब ये कुछ समय तक बन गया सम्राट, ये अफगान था, मुगल वंश का नहीं था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था, जौनपुर के एक सरदार के यहाँ ये पैदा हुआ था और बचपन में ही एक शेर को मार दिया था इसने, तभी इसका नाम शेरशाह पड़ गया। और बचपन से ही प्रशासन की जो गुण था वो सीख रहा था अपने पिता से। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक शासन किया। 1545 में उसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई, मतलब एक बंदूक चलाते वक्त, कालिंजर के दुर्ग को जीतने गया था बंदूक चलाते वक्त, उस बंदूक का नाम था उक्का, उक्का ही लिख देते हैं, इसको पहले मिटा दें। उक्का, उक्का नामक अस्त्र चला रहा था, बंदूक ही रहा होगा ये, तो उसी में बारूद उसके पास ही वो फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। 5 साल का खाली कार्यकाल उसे मिल सका। 5 साल में वो जनता के इतने करीब आ गया कि बहुत लोकप्रिय हो गया। उसने प्रशासन को बहुत बढ़िया संचालित किया, लगान का निर्धारण किया, किसानों के साथ लिबरल हुआ, सिंचाई की व्यवस्था की, कृषि की व्यवस्था की, सड़कें बनवाया, सराय बनवाया, कुआं बनवाया, अस्पताल बनवाया, ये सब कार्य उसके बहुत ही लोकप्रिय हुए 5 ही साल में मात्र। और एक और खास बात, उसने एक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया, उसको अपने इस रोड बनाने पर बड़ा गर्व था, आज भी है ग्रैंड ट्रंक रोड। और जौनपुर को बुरहानपुर से जोड़ दिया उसने, तो ये सब उसके कार्य थे शेरशाह सूरी के। और 5 वर्षों में जितना वास्तव में उसने कार्य कर लिया, शायद आगे के शासक इतने किए हैं कार्य, लेकिन इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं किया गया है। अब उधर हुमायूं को देखते हैं, 1545 में मर जाता है, 1500 शेरशाह सूरी के बाद इसका पुत्र इस्लाम शाह गद्दी बैठता है। 1555 में हुमायूं सफावी वंश की सहायता से फिर इस पर आक्रमण करता है भारत पर, कि अब हम भारत को हथियार लेंगे, तो फिर कम बैक करते हुए वो दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है। लेकिन 1 वर्ष तक ही वो कार्यकाल कर सका, ये सुख भोग सका। 1 वर्ष के पश्चात हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरा और उसकी डेथ हो गई। उसके 1556 में उसका पुत्र 14 वर्ष की आयु में ही अकबर
गद्दी पर बैठता। अकबर के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, इस चैप्टर में नहीं है वो। अब आगे चलते हैं। इसी समय 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य आता है। बहमनी साम्राज्य भी बहुत शक्तिशाली हो गया था तब जब उसका मंत्री महमूद गामा हुआ। महमूद गामा बाहर से आया था, उस वो यहाँ का हाँ, देखा सब कार्यप्रणाली वगैरह, तो बड़ा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। उसको बहमनी के सुल्तान ने अपना मंत्री नियुक्त कर दिया और ये महमूद गामा उन्हीं को सलाह दिया करता था। उसने जन कल्याणकारी संबंधी बहुत कार्य किए, लेकिन परेशानी कहाँ हुई, अभी बाहर से था, वहाँ के जो लोकल थे बहमनी के जो रहने वाले थे वो इससे चिढ़ने लगे। और जब चिढ़ने लगे तो एक समय ऐसा आया कि महमूद गामा की इन लोगों ने हत्या कर दी। अब इसी के बाद से बहमनी साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया, क्योंकि सुल्तान को एक अच्छा सलाहकार सुल्तान ने खो दिया था। आगे चलकर बहमनी 5 राज्यों में विभक्त हो गया। बहमनी ये 15वीं सदी की बात है। बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर बरार बीदर ये बहमनी राज 5 राज्यों में छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। आगे चलकर इसमें से आगे चलकर 3 राज्य रह गए। अब यहां पर हम आते हैं इनका संघर्ष वर्सेस विजयनगर। आगे चलकर बीजापुर और बीदर, ये दोनों एक, बीजापुर ने बीदर का अधिग्रहण कर लिया और अहमदनगर ने बरार का। अब हो गए 3 राज्य। अब इसी समय विजयनगर साउथ इंडिया में था, हिंदू राज्य था, ये सब मुस्लिम राज्य थे। अब इनसे झगड़ा अपना चलने लगा। किस बिंदु को लेकर? रायचूर दो आप को लेकर ही क्यों, बहुत फर्टाइल लैंड हुआ करती थी वो। तो ये सब सोचते थे कि अगर इस पर कब्जा कर लेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा लाभ होगा, फर्टिलिटी ज्यादा, बहुत ज्यादा व्यापार हमारा होने लगेगा। इस वजह से ये अपना इसको अधिग्रहण करने का रायचूर दो आप को लेकर युद्ध होता रहा। रायचूर दो आप अब इसी में विजयनगर में एक शासक आया कृष्ण देव राय 1509 से 1530। बहुत महत्वाकांक्षी शासक था ये कृष्ण देव राय और जनता में भी बहुत लोकप्रिय था। इसने उड़ीसा पर भी हमला किया, वहां को पराजित किया, बहुत सारी विजय की। इसने अपना साउथ इंडिया अपना व्यापार भी फैलाया है। इसने एक अपनी खुद रचना भी लिखी, आमुक्त माल्याद नाम है उसका, आमुक्त माल्याद। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा चुका भाई, आमुक्त माल्याद। तेलुगु साहित्य इसके समय में चरमोत्कर्ष पे पहुंच चुका था, तमाम ग्रंथ रचनाएं हो रही थी और प्रजा बहुत सुखी संपन्न थी इस कृष्णदेव राय के साथ। सब शासकों के नहीं, कृष्णदेव राय के समय में, हालांकि विजयनगर के बहुत से शासक हुए, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय है ही, और तमाम शासक हुए, सब शक्तिशाली थे, लेकिन इसका नाम कृष्णदेव राय का नाम ज्यादा आता है।
इसने अनेक मंदिर, हजारा मंदिर भी इसने बनवाया था, तमाम मंदिर भी इसने बनवाया, निर्माण कार्य में भी इसने काफी रुचि ली थी। अब इसके पश्चात में भाई विजयनगर भी बहुत अपलिफ्ट कर गया, बहुत ऊंचाई पे चला गया, बहुत शक्तिशाली। इस विजयनगर राज्य को, विजयनगर राज्य को ये सब हरा नहीं पा रहे थे, फिर सिंगल सिंगल करके कभी नहीं हरा पाए। फिर इन तीनों राज्यों ने एक संयुक्त अभियान किया, जब हम संयुक्त अभियान करते हुए विजयनगर पर हमला करेंगे। 1565 तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध होता है और उसमें विजयनगर की बहुत बुरी पराजय होती है। वो तीनों संगठन जो थे, तीनों राज्य थे, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, सब मिलके इस विजयनगर को हरा दिए और यहां से विजयनगर नष्ट भ्रष्ट हो गया, यहीं उसकी समाप्ति हो गई। अब यहां तक आपका हो गया, उत्तर भारत भी हो गया इस पीरियड में और दक्षिण भारत भी हो गया, जो वस्तु स्थित उस समय थी। इसी समय, इसी फेज में भारत का यूरोप के साथ क्या संबंध हो रहा था? अब मुगल तो भारत में आ चुके थे, स्थापना भी कर दिया था, सब कुछ हो गया था यहां पर। दक्षिण भारत के बारे में भी हमने बताया कुछ। फिर इसी समय 1498 में भारत में वास्को डिगामा आता है, जो कि पुर्तगाली था, केरल में आता है। केरल के शासक थे जमोरिन, उन्होंने उसका बहुत अपार स्वागत किया और केरल से वो काली मिर्च लेकर अपने के यहां गया। वो काली मिर्च 60 गुना दाम पर वहां पर बिकी, यानी बहुत बड़ा, वो बड़ी बात हो गई भाई। अब यूरोप के लोग भारत की तरफ आकर्षित होना शुरू किए, क्योंकि उनको अपना व्यापार पूर्व की तरफ एक्सपेंड करना था। धीरे धीरे अब पुर्तगाली कंपनी आई, एक सबसे पहले भारत में कोई कंपनी आई तो पुर्तगाली, 1510 में पुर्तगाली आते हैं और वो भारत में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। अब धीरे धीरे क्लोज होते चले गए यूरोपवासी भारत में, और उसी समय यूरोप में पुनर्जागरण भी 15वीं शताब्दी में होता है। अज्ञान का जो अंधेरा है वो उनके मस्तिष्क से हटता है, जैसे वो पहले ये जानते थे पृथ्वी स्थिर सूर्य परिक्रमा लगाता है, तो ऐसा नहीं था। तमाम अनुसंधान हुए, कहे नहीं वो सूर्य स्थिर, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। तो ये ऐसे ऐसे क्रम में तमाम घटनाएं घटित हुई, जिससे लोग जो सही बात है वो जानने लगे। तमाम साहित्य की रचनाएं हुई, तमाम वैज्ञानिक हुए, सब सही सही बातें लाके लोगों के सामने रखते थे। तो ये यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। अब इसी दौरान ईस्ट एशिया की तरफ ध्यान देने लगे, भारत में यूरोपियों का अब आगमन होना शुरू हो गया। फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, सब आने लगे। अब भारत की तरफ व्यापार होना शुरू हुआ। अब एक और मैं आपको बात बताता हूं, भारत में यूरोपीय शक्ति जो स्थापित हुई थी और मुगल शक्ति जो स्थापित हुई थी, इन दोनों में डिफरेंस है। मुगल जब भारत में आए तो वो इनका मदरलैंड बन गया, यानी मातृभूमि बन गया, वो यहीं के होकर यहीं के कल्चर में रहकर ढल गए, फिर वो कहीं किसी दूसरे देश नहीं गए। यहीं खाना पीना, यहीं लाभ कमाना, यहीं लोगों को देना, ये सब कुछ मुगलों ने किया भारत में। लेकिन यूरोपवासी यहां पर आए, निसंदेह व्यापार भी किए, लाभ भी कमाए, लेकिन वो पैसा इंडिया में नहीं यूरोप में गया। जो लाभ हुआ उनका मदरलैंड इंडिया नहीं, ब्रिटेन था, या यूरोप का जो देश आया था वो था। तो यानी आप जहां पर हैं वहां पर आप लाभ कमा रहे हैं, लेकिन पैसा वहां पर नहीं खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं यूरोप में। तो बेहतर स्थिति थी मुगलों की, मुगल यहीं पे थे और यहीं के रह के हो गए, कल्चर यहां के कल्चर में ढल गए। यहां तक ये पूरा का चैप्टर आपका समाप्त हुआ, मुगलों और यूरोपवासियों का भारत में आगमन। नेक्स्ट चैप्टर कल जो भी है उस कल मिलेंगे। और ये पूरा जो भी हमने जोड़ कर बताया है,
बहुत ही सुंदर है और ध्यान से समझिएगा, उसके बाद में आपको ब्रेन में फिट कर जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, मेरा ये विश्वास है। और आगे फिर कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।